हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। दरअसल जिम्स अस्पताल में एक नवजात बच्चा जो है वो COVID-19 पॉजिटिव आया है। क्या कुछ बच्चे के बारे में जानकारी है ये हम जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर राकेश गुप्ता जी से। सर, COVID-19 आया है एक नवजात शिशु, किस तरह से उसका केस जो है वो हैंडल किया जा रहा है और कब आपको पता चला कि जो बच्चा है वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है? देखो, पिछले 1.5 महीने से हमारा संस्थान जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी केयर कर रहा है। पिछले 10 दिन में करीब 6 महिलाएं ऐसी थीं जिनको कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट हुआ कि उनको कोविड पॉजिटिव है, जो यहाँ हमारे मैनेजमेंट के लिए आई थी। आजकल जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं कि 5 दिन डिलीवरी से पहले आपको कोविड टेस्ट कराना, उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी हैं। ये जो महिलाएं थीं इनमें किसी में कोई लक्षण नहीं था लेकिन कोविड पॉजिटिव थीं, तो हमने इनका मैनेजमेंट पूरा कोविड की तरह से किया है, जिसमें से हमें अभी 2 सीजेरियन से हुई हैं, बाकी 3 नॉर्मल डिलीवरी और 1 अभी सीजेरियन अभी इस वक्त भी चल रहा है। ये जो बच्चा कोविड पॉजिटिव आया है आपके पास, इसके माता पिता भी कोविड पॉजिटिव ही हैं या बाकी आपको क्या लगता है इसका संक्रमण का कारण क्या हो सकता है? देखो, पहला केस आया था जिसमें खाली माँ को था कोविड पॉजिटिव, उसका सीजरन से डिलीवरी हुआ था एंड वो बेबी नेगेटिव था एंड उसका नॉर्मल केयर करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। एक दूसरा पेशेंट आया था जिसकी मदर पॉजिटिव थी, बेबी ने डिलीवर कर दिया, नॉर्मल डिलीवरी था एंड अगले दिन उसका फादर का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो इसमें दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव थे एंड इस बच्चे को भी हमने जो नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर होती है कोविड के हिसाब से किया था एंड day 3 पे इसका जब जांच किया था हमने तो उसमें ये पॉजिटिव पाया गया है। बाकी इस बेबी में कोई लक्षण नहीं थे कोविड के, कोई सिम्टम नहीं थे, बेबी हेल्दी है, नॉर्मल है एंड जो प्रोटोकॉल के हिसाब से इसका ब्रेस्ट फीडिंग और बाकी केयर है वो हम कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से जैसा आपने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हैं, तो अगर माँ भी पॉजिटिव है, बच्चा भी पॉजिटिव है, तो ऐसे में क्या माँ ज़्यादा अगर खतरे में है और बच्चा अगर कम खतरे में है तो क्या बच्चे को उस हिसाब से वेरी करता है या उनको भी खतरा हो सकता है बच्चे को भी? देखो, ये जो प्रोटोकॉल है, पहले 24 घंटे में हम बच्चे को बचा के रखते हैं, माँ से अलग रखते हैं एंड 24 घंटे में भी माँ से मदर मिल्क लेके एक्सप्रेस कर उसको बुलाते हैं। 24 घंटे के बाद माँ को काउंसिल करते हैं हम उसको और मास्क लगा के, हैंड वॉशिंग करा के एंड मदर पूरी तरह से अपना देख रेख उसकी कर रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एंड जो भी प्रिकॉशंस हैं कोविड को बचाने के लिए, मास्क पहन के और बाकी प्रिकॉशंस लेके माँ केयर कर सकती है। जैसा कि आपने बताया कि जो माँ है और बच्चा दोनों असिम्टोमेटिक थे, उनको कोई भी लक्षण नहीं है, फिलहाल दोनों की स्थिति क्या है और कितने दिनों से उनका इलाज चल रहा है? दोनों स्टेबल हैं, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है एंड अपेरेंटली देयर इज नो सिम्टम, सो बोथ आर स्टेबल। लगता है कि सर ठीक हो जाएंगे जल्दी? पूरी है, ठीक हो जाएंगे। इनका हमने माँ को ट्रीटमेंट दिया है यहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल है और उसके हिसाब से इनका 7 डेज में हम दोबारा जांच करेंगे और उसमें अगर नेगेटिव होंगे तो इनको डिस्चार्ज करेंगे। सर, और भी जो माताएं हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, जो आपको सुन रही हैं, उनको आप ऐसे समय में क्या एडवाइस देंगे कि वो संक्रमण से बच सकें या फिर जो अपने नवजात शिशु है उसको संक्रमण से बचा सकें? देखो, जितने भी इनके कोई अलग से डायरेक्शंस नहीं हैं, जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि इनको बचना है इस बीमारी से आप 100% बच सकते हैं। आपको हैंड वॉशिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जिनको भी घर में ऐसे लक्षण हैं खांसी के या किसी से उनसे दूर रहना है, हैंड वॉशिंग करनी है एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है मदर को कोविड के रिलेटेड, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है एंड जब डिलीवरी से 5 दिन पहले अगर स्क्रीनिंग कराएंगे, अगर उसमें स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आता है तो जो कोविड ओनली हॉस्पिटल से वहाँ रिपोर्ट करें ताकि इसका प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है और बच्चा और माँ को दोनों सेफ्टी से हम बचा सकते हैं। और सर, आखिरी सवाल, ये जो बच्चा है जो COVID-19 पॉजिटिव आया है, कितने दिनों का है? अभी ये 4 दिन का हो गया है अभी एंड बच्चा इज स्टेबल, इट इज अ टर्म डिलीवरी।
तो ग्रेटर नोएडा जिम्स अस्पताल के डायरेक्टर राकेश गुप्ता जी को आपने सुना। नवजात बच्चा जो कि कोविड-19 पॉजिटिव आया है, अच्छी खबर है कि वो और उनकी जो माता हैं दोनों इस वक्त स्टेबल हैं और उन दोनों का इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।